सुनो दोस्त, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम आम तौर पर क्या भूल जाते हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप सुन सकते हैं मुझसे अभी। तो ध्यान से सुनिए, ये वही है जो मैं आपसे करने के लिए कहना चाहती हूँ। सपने देखें, बच्चे की तरह सपने देखें, ईमानदारी से, खुले दिल से सपने देखें, जैसे किसी ने कभी आपको यह भयानक वाक्यांश ना कहा हो, सपने सच नहीं होते, ये झूठ है। आपके सपने सच होंगे यदि वे आपके हैं, यदि आप विश्वास करते हैं, यदि उनके लिए आप करते हैं कर्म। सपने प्रेरित करते हैं, सपने उत्साह देते हैं और कर्म करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। सपने आपको बिस्तर से बाहर निकालते हैं, आपको ऊर्जा से भर देते हैं। सपने आपको खुश करते हैं, क्योंकि आप किसी बुरी चीज के बारे में सपना देख ही नहीं सकते। सपने आपको देते हैं पंख। सपना देखें, सपना आपका वेक्टर है, विश्वास और आंदोलन के साथ देखा एक सपना एक लक्ष्य है और लक्ष्य निश्चित है, यह दिशा देता है। एक सपने के बिना आप अंधे हैं, आप ये नहीं जानते जाना कहाँ है, आप जगह जगह घूमते रहते स्पिनस्टर समान, कहीं भी जहां मर्जी हो जीवन का शांत प्रभाव को उड़ा ले जाए, एक जहाज बने, सपने देखें, होश पूर्वक जिए, पूरा जीवन खुल के जिए, ख्वाब देखें। ये सपने हैं जो हमारे जीवन को अर्थ से भर देते हैं। सिर्फ मौजूद ना रहें, खुलकर जीवन जिए। मैं विनती करती हूँ, हम सिर्फ काम करने या मौजूद रहने या सूरज के नीचे अपनी जगह के लिए लड़ने नहीं आए, हम सपने देखने आए थे और उसी प्रकार करने निर्माण। सपने देखें, मुड़कर पीछे ना देखें, अपने बारे में सपना देखना, ना कि जो आपको बताया जाए। आपका सपना छोटा हो सकता है, फिर भी यह आपका है, इसे सच करें और कुछ और फिर के बारे में सपना देखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। सपने के बाद सपना, सपने के बाद सपना, यही जीवन है, क्या आप समझे? यही जीवन है और जीवन इसी के बारे में है। सपना देखें, मैं विनती करती हूँ, अन्यथा दूसरे लोग आपके लिए सपना देखेंगे, लेकिन तब आप अपना जीवन नहीं जिएंगे बल्कि उनका जिएंगे, और आप दूसरों के सपने को साकार करेंगे, अपना नहीं। क्या आप यह चाहते हैं? क्या यह आपके लिए जीना है? क्या यह वही है जिसके बारे में आपने सपना देखा था जब आप छोटे थे और अपने सपनों से प्यार करते थे? सुनो दोस्त, रुकिए, भागिए मत। आप इस समय पर बिना सपने के वैसे भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसके बिना आप ये नहीं जानते कि जाना कहाँ है। अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके पास। मुझे समझ ही नहीं आया कि आप समय को कैसे नाश कर सकते हैं। रुकें, याद करें कि आपने क्या सपना देखा था, जैसे आपने कभी देखा था कि एक दिन आप बड़े हो जाएंगे, सफल और कुछ महत्वपूर्ण हो जाएंगे, कि एक वैज्ञानिक, कलाकार, डॉक्टर, खिलाड़ी, कॉस्मोनॉट बनेंगे। आपने सपना देखा था पूरी दुनिया की यात्रा करने का, नई चीज़ों की खोज की, एक उत्कृष्ट कृति बनाने का, खुद की स्मृति छोड़ देने का, या कैसे जाने बिना, लेकिन आपने सपना देखा था कि आप निश्चित रूप से खुश होंगे, और फिर किसी कारण आपने सपना देखना बंद कर दिया, आप बड़े हुए और दुनिया सपने देखने वाले पागल लोगों द्वारा बनाई गई थी। किसी को भी अपने सपने पर विश्वास नहीं था, जिन्होंने कहा, अरे ये असंभव है, इसे रोको मूर्ख, कुछ गंभीर करो। सब कुछ जो हम सराहना करते, उपयोग करते, जिसके सामने सेल्फी लेते हैं, वे कभी किसी का सपना था, किसी के संभव कल्पना, किसी का लक्ष्य और विश्वास था। सपने देखे दोस्त, जहाँ पे भी आप हो, जो कुछ भी बन चुके हो, अपने सपने को सच करने में कभी देरी नहीं होती। सोचो, अगर आप जीवित नहीं होते तो अभी आप क्या कर रहे होते? आप वास्तव में चाहते क्या हैं? अपने आप से पूछिए। इंसान को खोजने और फिर निर्माण करने के लिए बनाया गया था। आप कुछ भी ना चाहें और किसी भी चीज़ के लिए प्रयास ना करें, यह अप्राकृतिक और असामान्य है, क्या आप समझे? आज शुरू करने के लिए एक उत्कट समय है, बीता हुआ या आने वाला कल नहीं, सोमवार नहीं, आज सपने देखना शुरू करें। सपने छोटे, सपने बड़े देखें। अपने आप को और दुनिया को उस तरह से देखें जैसे कि आप इसे देखना चाहते हैं। इसे अपनी कल्पनाओं में, अपने दिमाग में पहले बनाएं, अपना खुद का मास्टरपीस बनाएं। सपने देखें, विश्वास करें, कभी हार ना माने, कभी अपने सपनों को धोखा ना दें। मैं आप पर विश्वास करती हूँ मित्र, और आपको भी होना चाहिए। शुरू करें देखना ख्वाब।